गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल सब्जेक्ट जीके ऑफ क्लास सेकेंड, चैप्टर नंबर 31. द नेम ऑफ द चैप्टर इज डायरेक्शंस, मतलब दिशाएं. ठीक है, यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बने हुए हैं. यहाँ फिगर दी गई है और इस फिगर में आपको डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन चीज़ कहाँ पे है. ओके, यहाँ डायरेक्शंस हैं. अगर आप धूप के सामने खड़े होते हैं तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है ईस्ट. ओके, फोर डायरेक्शंस होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. ओके, सो यहाँ पे है टू द नॉर्थ ऑफ माय स्कूल इज द डैश. मेरा जो स्कूल है, देखो कहाँ है स्कूल, स्कूल जो है ये है. ठीक है, मेरा जो स्कूल है, स्कूल के नॉर्थ में क्या चीज़ स्थित है. देखिए नॉर्थ में क्या है, हॉस्टल है. तो आपको क्या लिखना है, हॉस्टल. ओके, टू द साउथ ऑफ द पार्क, सॉरी टू द साउथ इज, अब यहाँ से साउथ की तरफ देखिए तो क्या है, जहाँ पे हर शाम आप खेलते हैं तो वो है पार्क. फिर वी लर्न इन द डैश, फिर आप क्या, फिर यहाँ पे आप बगल में ही क्या आप सीखते हैं, यहाँ नीचे देखिए पार्क के बगल ही है स्केटिंग रिंग. तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, आपको लिखना है स्केटिंग रिंग. द ओपन एयर थ्री, सॉरी द ओपन एयर थिएटर इज इन द डैश. तो ये कहाँ पे है, ये है ईस्ट में. अगर इधर से देखा जाए तो ये क्या है, ईस्ट में है. ठीक है, टू द वेस्ट, ईस्ट से अब वेस्ट की तरफ, मतलब अगर ये ईस्ट में है फिर इधर वेस्ट में आएंगे तो क्या है, ट्रैफिक पार्क है. क्या है, ट्रैफिक पार्क है. ठीक है, तो जो कि हमें रूल्स को लर्न कराती है. तो इस तरीके से आपको इसको फील करना है और इसको ध्यान में रखना है. तो इस तरीके से जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है. यहाँ पे आई थिंक ये यहाँ पे वेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ईस्ट में तो ये ट्रैफिक है, ट्रैफिक पार्क है, लेकिन वेस्ट में जो है आपका ओपन एरिया थिएटर है. तो चलिए हम इसको ठीक कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ आपको क्या लिखना है, वेस्ट. वेस्ट की स्पेलिंग क्या है, डब्ल्यू ई एस टी. ओके, वेस्ट. ठीक है, तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.